15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और वह भी सफलतापूर्वक अब तक के सबसे सफलतम आयोजनों में से एक आयोजन बना। लोकसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 1,63,000 से अधिक बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का होना, एक भी बूथ पर द्वारा मतदान की नौबत न आना, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश के अंदर व्यापक निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारना और ये पहली बार पूरे देश के अंदर हो रहा है कि जब इन्वेस्टर समिट में जो MOU साइन हुए थे उसके लगभग 40% तक प्रस्ताव वास्तविक धरातल पर उतर रहे हों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कार्यों को आगे किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो फ्लैगशिप स्कीम से जुड़ी हुई योजनाएं थी, उत्तर प्रदेश उन सभी में आज नंबर एक पोजीशन में पूरे देश के अंदर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, 25,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराना, 1,60,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाना, 1,08,00,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, 1,31,00,000 से अधिक परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाना, खाद्यान्न योजना के अंतर्गत हम 15,00,000,000 परिवारों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आयुष्मान भारत में 1,18,00,000 परिवारों को 5,00,000 रुपये की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर किया है और लगभग 11,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास एक कार्ड जो इन योजनाओं से आच्छादित नहीं हो पा रहे थे, उन्हें प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में कवर किया। गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर अन्य वे तमाम योजनाएं जो गरीब कल्याण से संबंधित थी, लोक कल्याण से संबंधित थी, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू करने का हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विद्युत की एक सतत व्यवस्था समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर दी है। हमारे आने के पहले प्रदेश के अंदर विद्युत दुर्व्यवस्था हर एक जगह, सबको जानते हैं कि 75 में से 4-5 जनपदों में केवल बिजली मिल पाती थी। हम लोगों ने एक व्यवस्था की, आज हर जिला मुख्यालय को 23 से 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालय को 19 से 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग करा रहे हैं। हमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ा। हम लोगों ने इस दौरान 1,67,000 से अधिक मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य भी संपन्न किया। हर एक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करके दिखाने का प्रयास और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी, जैसे PDS सिस्टम में, खाद्यान्न की योजना में 80,000 कोटी की दुकानों में EPOS मशीनें लगाना। प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो बड़ा होने के बावजूद जिसने ये व्यवस्था दी कि हर एक लाभार्थी को, चाहे वह अंत्योदय का हो चाहे वह पात्र गृहस्थी का हो, खाद्यान्न उसको आसानी से किसी भी दुकान से लेने की सुविधा प्राप्त हो। और आज हम सफलतापूर्वक इस योजना को लागू कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद भी जहाँ हर परिवार तक खाद्यान्न पहुँच रहा है, वहीं साथ ही साथ हमने भारी राजस्व की बचत, जो सब्सिडी इसमें दी जाती थी उसकी काफ़ी बचत भी प्रदेश ने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग आए थे, प्रदेश के अंदर एक भी जिला में मेट्रो नहीं था। आज 3 नगर हमारे ऐसे हैं जो मेट्रो से जुड़ चुके हैं, लखनऊ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में। 2 में हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है, कानपुर और आगरा में। अन्य जनपदों में हमारा एक कार्य तेजी के साथ, उसके सर्वे आदि की कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रोड के बारे में भी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने, हमारी जितनी भी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है उन सबको 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर है। सड़कों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है, साथ साथ
एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक उदाहरण बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हम लोगों ने 2016 में जो बिडिंग की प्रक्रिया हुई थी उसमें 15,200 करोड़ रुपए की तुलना में वर्तमान में उससे चौड़ा, उससे लंबा एक्सप्रेसवे मात्र 11,800 करोड़ रुपए में हम बना रहे हैं। और अगस्त 2020 में हम मुख्य एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए भी खोलने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हम लोग 2 महीने के अंदर कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। और गंगा एक्सप्रेसवे जो संभवतः देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, वह अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रथम तिमाही के अंदर ही हमारा प्रयास होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे पर हम कार्य करेंगे। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी, हम लोग जब आए थे मार्च 2017 में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज 6 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 11 एयरपोर्ट पर प्रदेश सरकार कार्य कर रही, इसमें हमारे कार्य चल रहे हैं। अयोध्या में भी एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नोएडा में, जेवर में, वह हमारा कार्य जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि आगामी 2 महीने के अंदर हम उस पर भी कार्य प्रारंभ करेंगे और जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अन्य योजनाओं में भी प्रदेश ने व्यापक कार्य किया। सिंचाई की योजनाओं में किसानों से संबंधित, चाहे वह प्रोक्यूरमेंट की योजना हो, चाहे वह गन्ना किसानों की आय में वृद्धि करने का रहा हो, तमाम अन्य क्षेत्रों में, और सरकार की पहले से ही पूरी मजबूती के साथ सरकार ने इस बात को कहा है कि क्राइम और करप्शन में जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। हमने 2 वर्ष 5 महीने के दौरान पूरी मजबूती के साथ इस पर कार्य किया और हमारी पूरी टीम इस कार्य के साथ हमारे साथ जुड़ी और उसको आगे बढ़ाई है। आज मंत्रिमंडल का ये पहला हमारा एक्सपेंशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है जिसमें हमारे 18 नए चेहरे सामने आए हैं। हमारे जो सहयोगी विधायकगण थे, विधान परिषद के सदस्यगण थे, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया है। साथ साथ 5 हमारे साथियों को हम लोगों ने प्रमोट किया है, जिसमें 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में, और एक राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में हमने आज उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। कुल मिलाकर के ये 23 नए हमारे सहयोगियों ने आज शपथ ग्रहण करके हमारे मंत्रिमंडल को एक नई स्टेंथन दी है और मुझे विश्वास है कि ये पूरी टीम प्रदेश के सतत विकास के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और सबसे उपलब्धियों वाला प्रदेश बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य योजना हम लोगों ने 2.5 वर्ष पहले बनाई थी, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे। जिन सभी चेहरे आपके परिचित हैं, कोई आप लोगों से अपरिचित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से लोग अपरिचित हों, लेकिन मीडिया से कोई भी अपरिचित नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से उसमें राज्य मंत्री से, स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री के रूप में जिन्हें प्रमोट किया, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह ग्राम्य विकास के हमारे राज्य मंत्री थे। प्रदेश में जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी वह बहुत उल्लेखनीय रही है, खासतौर पर ग्राम्य विकास की योजनाओं में भारत सरकार की 12 राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने अपने विभाग को उपलब्ध करवाए। प्रधानमंत्री आवास योजना और साथ साथ मनरेगा में रिकॉर्ड मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका, उत्तर प्रदेश जहां 23वें नंबर पर था, आज नंबर 1 पर इस मामले में आया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में हम लोगों ने प्रमोट किया है। श्री सुरेश राणा हमारे गन्ना मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के, रिकॉर्ड मात्रा में यानी 10 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ था, उतना मात्र 2 वर्ष में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश के गन्ना किसानों को कराने में उन्हें सफलता प्राप्त करने के साथ साथ बंद पड़ी चीनी मिलों को प्रारंभ कराना, जो डिस्टलरी प्रदेश के अंदर बंद हो चुकी थी उन्हें 0 लिक्विड डिस्चार्ज पर ले जा करके और फिर से उन्हें संचालन करने की व्यवस्था हो,
या सुगर केन से इथेनॉल बना करके नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली लाने या खांडसारी उद्योग को प्रमोट करने के लिए लाइसेंस फ्री करना है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं और किसानों के जिससे बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में हुआ है, उन्हें स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्हें प्रमोट किया गया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह पंचायती राज के हमारे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, उन्हें हम लोगों ने पंचायती राज में रिकॉर्ड 1,60,00,000 से अधिक शौचालय बनाने के साथ साथ पंचायती राज की व्यवस्था में जो उन्होंने योगदान दिया है, जिससे उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें भी लिया गया है। और श्री अनिल राजभर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे, अपने विभाग में जो उल्लेखनीय कार्य होमगार्डों के साथ साथ उस विभाग में रिफॉर्म करने में जो उन्होंने अपना कार्य योगदान दिया है, उस दिशा उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया है। साथ साथ हमारे साथ हमारे संगठन के साथ साथ हमारे वरिष्ठ विधायक रहे हैं श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, इनको हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें भी